आपको भी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चल रही है, कई कई दिन हो जाते हैं कि आपका अच्छे से पेट साफ नहीं होता, या बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि कई दिन बाद भी बिल्कुल भी उनके शरीर से कुछ भी नहीं बाहर आता, कई कई दिन हो जाते हैं, इतनी मतलब गहरी कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाती है। अगर इस तरह की कॉन्स्टिपेशन है तो एक रेमेडी आज आपको मैं बताने वाली हूँ, वो एक ही बार आप लेके देखना, मतलब कितना भी मल और गंदगी अंदर जमी हुई हो सारा निकल के साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उसे किस तरीके से आपको यूज़ करना है वो ध्यान से देखना है, ऐसे नहीं कि एक चीज़ आपको पता लग गई और आपने वीडियो बंद कर दी कि चलो हो गया जी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़, उसमें जो चीज़ यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को बड़े ध्यान से देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, जब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप क्या करते हो, चूर्ण लेते हो ना, दवाइयाँ खाते हो। चूर्ण किस चीज का लेते हो, बहुत सारे लोग तो बहुत सारे चूर्ण लेते हैं, उनका नाम ही क्या लेना, लेकिन एक मेन जो पुराने समय से चला आ रहा है वो है त्रिफला। मतलब हम क्या करते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई तो हमारे बुजुर्ग या दादी बाबा भी हमें यही बताते थे कि त्रिफला ले लो, रात के समय भी ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, लेकिन उससे भी पूरा आराम आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन आपकी चली जाए, बिना दवाइयों के चली जाए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं भी यूज़ करने वाली हूँ आंवले का, जो कि त्रिफला में इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही एक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन है जो कि पुराने समय से चली आ रही है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। ये हमारी सिर्फ पेट को ही साफ नहीं करती, गंदगी बाहर नहीं निकालती, ये सभी बीमारियों के लिए एक रामबाण है, लेकिन हम अक्सर इसको भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं कि त्रिफला ले लिया, आंवले का चूर्ण ले लिया, उससे अगर काम नहीं बना तो हम सोचते हैं अरे यार इससे भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये कहती हूँ, अगर आंवला आपको कहीं पर मिल जाता है तो एकदम से लेके आ जाइए, बिना कुछ सोचे समझे। यही एक दुनिया में एक ऐसा फल है जिसकी कोई भी साइड इफेक्ट कभी आपको नहीं होगा, बल्कि सारे फायदे ही फायदे हैं, और आपकी हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप बीमार पड़ नहीं भूल जाओगे। कहने का मीनिंग ये है, एक ऋषि हुआ करते थे ऋषि चवन, तो ऋषि चवन थोड़े से वीक रहने लगे, क्योंकि ऋषि क्या करते थे, कुछ कम खाते थे, अपने ध्यान मग्न बैठे रहते थे, तो वो कभी बीमार पड़ गए होंगे तो उन्हें कमजोरी महसूस होने लगी। उन्होंने क्या किया कि आंवले को लेकर और बहुत सारी जड़ी बूटी भी उसमें मिलाई और उससे बनाया पेस्ट भी कह सकते हैं, जो खाने के लिए उन्होंने बनाया था, तो उसी का नाम पड़ गया था च्यवनप्राश, जिसको आज भी हम प्रयोग कर रहे हैं। और उसी च्यवनप्राश में आंवले को डाला जाता है, विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और बहुत सारी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। अब कहने का मीनिंग ये है, आंवले की बात अगर मैं करूँ तो आंवले के अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं। एक तो उसमें विटामिन सी होता है, विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है कि हमें बीमारियों से दूर रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरे, अगर खून की कमी हो गई है और विटामिन सी आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं है तो कितना भी आयरन खा लो बिना विटामिन सी के वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और आंवले के अंदर इतना विटामिन सी है, अगर एक दो आंवला डेली आप दिन में यूज़ करते हैं, जितनी भी खुराक एक दिन की होनी चाहिए वो कम्प्लीट हो जाती है सिर्फ दो आंवले खाने से। दूसरी चीज़, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी विटामिन सी उसमें आपकी हेल्प करती है। विटामिन सी क्या करती है कि हमारा जो मल होता है उसको साफ करने का काम भी करती है। मैंने एक वीडियो में और भी बताया था कि अगर आपको किडनी स्टोन है, कहीं पे भी स्टोन पड़े हुए, तो डॉक्टर भी आपको यही बोलेंगे कि नींबू का पानी पियो या विटामिन सी लो, खट्टी चीज़ें खाओ जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होती है। अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, आँखों की रोशनी कम हो गई है, तो भी आपको आंवले का प्रयोग करना चाहिए। अब उसमें विटामिन सी जरूरी नहीं है, अगर बाल झड़ रहे हैं तो विटामिन सी की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आंखों की कमी है तो विटामिन ए की कमी है, लेकिन विटामिन ए आंवले में भरपूर मात्रा में होता है। तो इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स होते हैं, पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं, जैसे स्ट्रेस रहता है थोड़ा, और भी बॉडी के और भी फंक्शंस होते हैं, तो उनके जरिए फ्री रेडिकल्स निकलते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स अगर हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं, उनको क्योर करने का काम एंटीऑक्सीडेंट का होता है। एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को खा जाते हैं। अगर फ्री रेडिकल्स की संख्या ज़्यादा होनी शुरू हो गई तो आप बीमार रहना शुरू हो जाओगे। अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो आपको ऐसी ऐसी बीमारियाँ आएगी, जैसे आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हो, या कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। कैंसर बॉडी में कहीं पर भी बन सकता है, ट्यूमर की फॉर्म में बन सकता है, तो फ्री रेडिकल्स को बॉडी से निकलना ही ज़रूरी होता है। लेकिन आप क्या कहेंगे कि ठीक है हम एक टैबलेट ले लेते हैं विटामिन सी की टैबलेट, तो वो काम कर देगी,
कभी भी सप्लीमेंट जो हम लेते हैं वो एक फूड को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। हम विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए या कोई भी विटामिन हम टैबलेट से ले सकते हैं, लेकिन जो फाइटोकेमिकल्स या पॉलीफिनोल्स होते हैं ना, जो पौधे से आते हैं केमिकल, जो कि बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, जब हम उनको एज ए फूड खाते हैं तो वो हम सप्लीमेंट से कभी भी नहीं ले सकते। सप्लीमेंट से आपको ओनली विटामिन मिलेंगे, तो इसलिए पूरा फूड खाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए विटामिन सी की टैबलेट काम नहीं करेगी, जो कि आप विटामिन सी डायरेक्ट फूड से ले सकते हो। अब चलिए जी बात करते हैं, इसका हम जूस भी तो पी सकते हैं अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर आप जूस पीते हो तो वो डायरेक्ट पानी के साथ पी लेते हो, उसमें जो गुड फाइबर होता है और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो तो सारे इसके फाइबर में रह जाती है, इसके पल्प में रह जाती है। तो आपको क्या करना है, चलिए रेमेडी पे आ जाते हैं। आपको क्या करना है अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, पहले तो वो वाले लोग सुन लीजिए जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो एक काम करो, जितनी भी आपके घर में कच्ची सब्जियां हैं जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च भी हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो आप वो बारीक बारीक काट लीजिए। जैसे कि मैंने काटा है एक खीरा, तो आप इसको छील भी सकते हैं, मैंने बिना छीले ही ले लिया क्योंकि इसका जो छिलका था वो मुलायम था। आप छील के भी ले सकते हैं, इसको आपने एक बाउल में डाल लेना है। इस तरीके से आपने डाल लिया। थोड़ी सी मेरे पास गाजर थी, वो मैंने क्रश कर ली है। इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं, कम डालनी है तो आप कम डाल लीजिए इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है, मेरे पास टमाटर था तो मैंने टमाटर काट के वो भी डाल लिया है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैंने एक यही आंवला लिया जिसको गूसबेरी भी कहते हैं, और उसको क्रश कर लिया ताकि खाने में परेशानी ना हो। अब मैं इसको अपने सैलेड में मिक्स कर लूँगी, यानी एक आपको लेना है, बहुत ज़्यादा भी ना ले, थोड़ा इसका जो स्वाद होता है वो कसैला होता है, लेकिन बाद में मीठा मीठा लगता है, बाद में अच्छा आता है मुँह में स्वाद। अब इसको मिक्स करने के बाद बाकी इसमें क्या डालेंगे, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च में पेपरिन होती है जो किसी भी चीज़ की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ा देती है, कहने का मीनिंग ये है एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देती है। काली मिर्च किसी भी चीज़ में आप डाल के खाते हो ना, वो फूड आपको अच्छे से डाइजेस्ट होगा। थोड़ी सी डालने के बाद एक चम्मच में डालूंगी कोकोनट ऑयल। अब ऑयल क्यों डालना भाई, ऑयल इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, जो ऑयल के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं आपकी बॉडी में, नहीं अगर पानी के साथ आप लेते हैं तो वो निकल जाते हैं, इसलिए ऑयल डालना जरूरी है। आप ऑयल नहीं लेना चाहते तो क्रश करके आप थोड़ा नारियल, ड्राई जो कोकोनट होता है उसको भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हम मिक्स करेंगे। अब एक चीज़ अगर आप डालना चाहते हो वो भी डाल सकते हैं। अब आप कहेंगे नमक के बिना क्या स्वाद, चाहे तो आप थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा स्वाद होना भी ज़रूरी है। तो आप इसको मिक्स करिए। और आपको क्या करना है, इसको मिक्स करने के बाद चबा चबा के खाना है। अब इसको चबा के आपने खा लिया, खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं, अगर इसके बाद भी आपकी भूख रह जाती है, कुछ लोग तो इसी से ही पेट भर जाए क्योंकि इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, तो पेट भर गया तो ठीक है आप रहने दीजिए, लेकिन अगर पेट नहीं भर रहा है तो जितनी भी आपको एक रोटी खानी है, थोड़ी सब्जी लेनी है, आप ले सकते हैं, आराम से खाइए। और इसके बाद आप आराम से, आपको ज़्यादा भूख भी नहीं लगेगी क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, आराम से आप दिन में रहिए। और इस तरीके से जब आप अगली सुबह उठेंगे तब आपको अर्ज होगी, जैसे पेट साफ होने वाला है, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि अगले दिन आपका एक या दो बार में पेट साफ हो जाएगा। अगर ऐसा एक दिन में नहीं हो रहा तो दूसरे दिन भी ऐसा कर लीजिए, आप देखेंगे कि एक या दो दिन के अंदर अंदर आपकी सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। लेकिन ब्लैक पेपर डालना मत भूलना, उससे जो ये आंवला है ना उसको एब्जॉर्प्शन पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी आंतों को साफ करने की जो कैपेसिटी है ना और ज़्यादा हो जाती है। और आंवला इसलिए मैंने पूरा लिया है क्योंकि कुछ लोग जूस भी पी लेते हैं, क्योंकि पूरे आंवला ना इतना ज़्यादा काम करता है ना, कि जैसे आपने सुना होगा कि एक अनार 100 बीमार, अनार क्या होता है बीमार लोगों को दिया जाता है, लेकिन जितनी अनार के अंदर कैपेसिटी होती है किसी बीमार को ठीक करने के लिए, उससे 17 गुना ज़्यादा कैपेसिटी होती है एक आंवले में आपको बीमारी से दूर रखने के लिए। एक फ्रूट होता है जिसको क्रैनबेरी कहते हैं, वो कैंसर वाले लोगों को दिया जाता है क्योंकि वो कैंसर को ठीक करने में काम करता है, उसके अंदर बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ उससे कई गुना ज़्यादा
आंवला भी वही काम करता है, यानी कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, आपकी आपकी बॉडी को बीमारियों से दूर रखता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि आंवला हमारे लिए क्या चीज़ है। और मैं ये नहीं कहती कि आपको कॉन्स्टिपेशन, आप दवाई खाइए या आप चूर्ण खाइए, आप एक बार इस तरीके से आंवले का प्रयोग करके देखिए। अब जिन लोगों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है उनको इस तरीके से करना है। अब बुजुर्ग लोग ये भी कहेंगे हमारे दांत नहीं है तो हम कैसे करें, जिनके दांत नहीं होते तो आप एक काम कर लीजिए, इसको थोड़ा ग्राइंड कर लीजिए। अब जैसे पेस्ट की फॉर्म में बन जाए तो थोड़ा चम्मच से मुँह में रख के थोड़ा सा चबा चबा के आप उसको खा लीजिए, यानी आपकी लार भी थोड़ी सी मिक्स होनी चाहिए आपके फूड में, तभी वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। और आपका पेट देखना एकदम ऐसा नहीं लगेगा फूला फूला सा जो हर दिन रहता था, एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा उस दिन। इस तरीके से करना है। अब जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो लोग कहेंगे कि भाई ऐसा है थोड़ा आज मतलब हो जाता है पेट साफ, लेकिन पूरा नहीं होता, मतलब संतुष्टि नहीं होती। तो आप एक काम कर लो, जैसे एक आंवले को क्रश करके आप रोटी के ऊपर रख के खा सकते हो, या अपनी सब्जी में, पक रही है सब्जी तब नहीं डालना, आप जैसे कटोरी में लेके बैठे, बाउल में लेके बैठे, उसके ऊपर क्रश किया हुआ आंवला डाल लीजिए, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लीजिए, और उसको इस तरीके से आप खाना शुरू कर दीजिए, आपका पेट हमेशा साफ रहेगा। दूसरी चीज़, आँखों की प्रॉब्लम है, कुछ भी दांतों की समस्या और बालों की समस्या के लिए भी रामबाण है आंवला। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आज से ही ये चीज़ आप ट्राई भी करेंगे। और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन तो सिर्फ आंवले से ही जाएगी, ये पक्की गारंटी वाली चीज़ है। तो आज इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।